जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली से सदगुरु ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। इस कड़ी में वे महापुरुषों के जीवन और उनकी कविताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फर अली कहते हैं, मुझे लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के जीवन को किस तरह से समझते हैं जो आदर्श रहे हैं, अनुकरणीय रहे हैं। कुछ लोगों का जीवन ऐसा रहा है जो मानवीय दृष्टिकोण से, कलात्मक दृष्टिकोण से, मानव जाति को करीब लाने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमें उन जिंदगियों की सराहना करनी चाहिए, वह ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत भी हो सकता है। सदगुरु कहते हैं, क्या अनुकरणीय से आपका मतलब यह है कि वह उदाहरण दिए जाने लायक हो जो दूसरों के लिए एक मिसाल हो? मुजफ्फर अली कहते हैं, नहीं, कवि के रूप में उनके काम के माध्यम से जैसे रूमी, खुसरो, कबीर की तरह ऐसी जिंदगी आ जाओ। सदगुरु ने बीच में कहा, मगर मुझे लगता है कि रूमी या कबीर या वैसे किसी व्यक्ति की कला का हमें बस आनंद उठाना चाहिए। हमें उनकी नकल करने की, रूमी या कबीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे बगीचे के फूलों की तरह है और आपको बस उनका आनंद उठाना चाहिए। आपको फूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि ऐसे लोगों ने जो भी किया उसमें खूब फले और फूले, बहुत आगे बढ़े और भी बहुत से लोग आगे बढ़े, भले ही उन्होंने उस हद तक ख्याति प्राप्त नहीं की। आज भी हर गांव, हर शहर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है कि उसने उतनी ख्याति हासिल न की हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहलू मरा नहीं है, वह कभी नहीं मर सकता, वह कहीं ना कहीं बहुत से रूपों में अभिव्यक्ति पाता है। कोई हो सकता है एक खास कद पाले, कोई हो सकता है वैसा कद हासिल न कर पाए, वह एक सामाजिक और ऐतिहासिक चीज है और बहुत से दूसरे पहलू भी है। फिर मैं उसी बात पर वापस जा रहा हूं, कबीर को अपने लिए उदाहरण बनाने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कबीर के अंदर वह कैसा अनुभव था जिसने उन्हें ऐसा महान मनुष्य बनाया। मुजफ्फर अली ने कहा, समर्पण। सदगुरु ने कहा, मुझे लगता है कि हर कोई जीतना चाहता है, वे समर्पण नहीं करना चाहते थे। समर्पण के असली मायने क्या है? मुजफ्फर अली ने कहा, मेरे ख्याल से समस्या यही है, मुझे लगता है कि समर्पण आखिरी मंजिल है। सदगुरु ने कहा, जब मैं आसपास देखता हूं तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता जो समर्पण करना चाहता हो, वे सब खेल को जीतना चाहते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे कि समर्पण से जीत हासिल की जा सकती है तो वे ऐसा करेंगे, लेकिन वह समर्पण नहीं है। संभवतः अंग्रेजी का समर्पण शब्द इंसान की दयनीय हालत की तरफ इशारा करता है। अंग्रेजी में जब आप समर्पण कहते हैं तो यह शब्द शरण शब्द के साथ न्याय नहीं करता। इसलिए जब किसी को कोई जबरदस्त या अभिभूत कर देने वाला अनुभव होता है तो समर्पण स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन जब लोग समर्पण करने की कोशिश करते हैं तो वे दिनहीन बनने का नाटक करते हैं, वे बहुत दिखावटी हो जाएंगे। अगर उनके भीतर कुछ जबरदस्त घटित होता है, अगर उनके भीतर कुछ उनसे भी बड़ा घटित होता है तो वे स्वाभाविक रूप से समर्पित होंगे। इसलिए जब हम समर्पण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्हें एक काम करना है, इसके बहुत से गलत अर्थ निकल सकते हैं। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बाहरी क्षमताओं या योग्यता की बात आती है तो हम सब अलग अलग रूप में सक्षम हैं। जो आप कर सकते हैं वह मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते। हम सब अलग अलग रूप में योग्य है, लेकिन जब अंदरूनी संभावनाओं की बात आती है तो हम सब समान रूप से सक्षम है।
उस आयाम में अगर एक व्यक्ति के अंदर कुछ घटित होता है और दूसरे के अंदर नहीं होता, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि पहले व्यक्ति ने उस आयाम की ओर ध्यान दिया है और दूसरे ने नहीं दिया। इसलिए कबीर जो भी थे, या रूमी, कृष्ण या आदि योगी जो भी थे, हम सब वह हासिल करने में सक्षम है। लेकिन क्या हम वैसे ही कविता लिख सकते हैं? क्या हम वैसा ही नृत्य कर सकते हैं? क्या हम वैसा ही संगीत बना सकते हैं? क्या हम उस तरह के गणित में सक्षम है? शायद नहीं। लेकिन हम सब उस तरह का अनुभव हासिल करने में सक्षम है। इसलिए जब वह अनुभव कबीर के भीतर हुआ, तो जैसे भी उनकी सामाजिक और दूसरे हालात थे, उसके आधार पर वह अनुभव उस तरह की कविता में परिणित हुआ। आज अगर वही अनुभव किसी के अंदर होता है, तो वह कोई बिल्कुल अलग काम कर सकता है। हो सकता है कि वह वही काम न करे। इसलिए इस कविता से, नृत्य, संगीत, गणित या विज्ञान से, जिसको उन लोगों ने रचा, इन सब से अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अंदरूनी अनुभव जिसने इन रचनाओं को जन्म दिया, ये भीतरी अनुभव एक व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति में वह बिल्कुल अलग रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कुछ देखते हैं तो शायद आप सिनेमा बनाना चाहेंगे। अगर मैं कुछ देखता हूं तो मैं तत्काल ये सोचता हूं कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए कि लोग भी उसका अनुभव कर सके। इसलिए मैं बता रहा हूं कि किस तरह वह अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होता है, और यह अच्छी बात है कि वह अभिव्यक्ति अलग अलग है। लेकिन अंदर जो घटित होता है, हम में से हर कोई उसके काबिल है। वह सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस पर जरूरी ध्यान और साधन नहीं लगाए जा रहे। हर कोई किसी चीज को लेकर व्यस्त है। इसलिए हर पीढ़ी में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कल की किसी चीज की स्तुति करने के बजाय लगातार लोगों के अंदर वह अनुभव लाने की कोशिश करें। हाँ, हम उनकी इज्जत करते हैं, निश्चित रूप से हम उनकी सराहना करते हैं, बिल्कुल हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें सिर्फ यह याद दिलाने के लिए है कि वह हमारे भीतर भी संभव है। अगर वे सब अनुभव परम है, सबसे संपूर्ण है, और वह दूसरों के लिए यह संभव नहीं है, तो वह एक बेकार की प्रक्रिया है और वह दम तोड़ देगी। वह जीवित नहीं रहेगी। अगर उसे जीवित रहना है तो हर पीढ़ी में हजारों लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने उसका अनुभव किया हो, तभी वह परंपरा जीवंत बनती है और आगे जीवित रहती है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए कही गई और लिखी गई बातों पर सीधे विश्वास कर लेने से बचना होगा। हमें लोगों को कहीं और लिखी कई बात के शब्दों पर ध्यान न देकर उसके सार तत्व को खोजने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुजफ्फर अली कहते हैं, मैंने अपना जीवन आध्यात्मिक गुरुओं की कविताओं का प्रचार करने में समर्पित कर दिया है, और मैंने उनमें यह समानता पाई है कि उन सब में आग है। मेरा मुख्य लक्ष्य कविताओं को ढूंढना है, और 21वीं सदी में वह कविता मौजूद नहीं है क्योंकि लोग उस आग में नहीं जलते हैं। इसलिए वे आपको वैसी कविताएं नहीं दे पाते जो लोगों के दिल में उतर जाए। यह समाज का एक गंभीर लक्षण है। मेरे लिए कविता सभी कलाओं की मां है। ये ऐसी कला है जो दुनिया का प्रतिबिंब है, समाज का प्रतिबिंब है। कविता को अंदरूनी आग से निकलना चाहिए। मैं यही कह रहा था जब मैंने जिंदगियों और आदर्श जिंदगियों की सराहना करने, प्रचार करने की बात की थी। सद्गुरु कहते हैं कि लेखन के मुकाबले
कविता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत से मानवीय अनुभव तार्किक व्याख्या के ढांचे में ठीक नहीं बैठते। मान लीजिए आपने अपने हाई स्कूल या कॉलेज में एक मेंढक की चीड़ फाड़ की और मेंढक के दिल में देखा, तो आप इस पर लेखन में थीसिस लिख सकते थे। मान लीजिए कोई आपके दिल में बस गया, अब अगर आप इसे लेखन में लिखे तो यह बेवकूफाना लगेगा क्योंकि यह तार्किक रूप से सही नहीं है। इसलिए जो लोग अनुभव के अतार्किक आयाम को छूते हैं उनके लिए कविता ही इकलौता सहारा होती है। उन्हें कविता का सहारा लेना होगा क्योंकि लेखन में इसकी अभिव्यक्ति बेवकूफाना लगेगी। आप किसी के प्यार में पड़ जाते हैं और सब कुछ तार्किक रूप से सही बातें लिखते हैं तो आप खुद को बेवकूफ महसूस करेंगे और आप उसे फाड़कर फेंक देना चाहेंगे। वह प्रेम संबंध वही खत्म हो जाएगा। जब आप कविता लिखते हैं तो अचानक वह पूरा प्रेम संबंध खूबसूरत हो जाता है क्योंकि जो अतार्किक है वह सिर्फ कविता के रूप में व्यक्त हो सकता है। हर आध्यात्मिक गुरु ने जो भी चाहा है उसे व्यक्त करने के लिए हमेशा कविता का सहारा लिया है क्योंकि वे लेखन नहीं लिख सकते। कविता विकल्प नहीं है, वह एक मजबूरी है। किसी दूसरे तरीके से उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव ही नहीं है। मुजफ्फर अली कहते हैं, और यही सार तत्व के सार का सार है, और उसमें एक लय होती है जो आपके दिल में उतर जाती है क्योंकि चीजों से प्रभावित होने के लिए आपको लय की जरूरत होती है। सदगुरु कहते हैं, नहीं, आपके अंदर लय कविता की वजह से नहीं है, आपके अंदर लय है, इसलिए आपके अंदर से कविता निकल सकती है। धन्यवाद।